हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस नहा के एकदम तैयार हो चुके हैं, हालांकि ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए मैंने ये क्या बोल सकते हैं, इसको स्वेटर बोल सकते हैं या फिर जर्की बोल सकते हैं, ऐसा कुछ पहना है, क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही है, पानी चल रहा है ना खेतों में, बिल्कुल तेज़ी से मतलब गेहूँ बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्द ही फसल कटाई पर आ जाएगी और हमारे यहाँ का जो इलाका है चमन हो जाएगा, क्योंकि गेहूँ जब निकलते ना तो सभी किसानों के पास पैसा आ जाता है, गेहूँ आ जाता है, राशन पानी सब मतलब व्यवस्थित चीज़ हो जाती है। फिर त्यौहार भी आते हैं उधर, मतलब भगोरे आएंगे, उसके बाद एक मेला, गुड़ का मेला भरा था वो भी आएगा, उसके बाद में होली पंचमी, इस तरीके से त्यौहार चलते रहेंगे, और एक गणगौर माता का त्यौहार भी आता है। मतलब हमारे यहाँ पर इस तरीके से मतलब गेहूँ निकलने के बाद में अच्छे अच्छे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं और बड़ी धूमधाम से लोग यहाँ पर त्यौहार मनाते हैं। और गाइस गांव बड़ी तेज़ी से उन्नति कर रहा है, मकान पे मकान, मकान पे मकान, आप देख सकते हो। जब मेरा यहाँ पर मकान बना था ना, और मेरा भाई का मकान बना था, जब एक भी मकान इधर नहीं था, एक भी मकान नहीं था, ये देखो। और अभी देखो 3 साल के अंदर अंदर ये अभी वर्तमान में बनी रही, ये अभी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये अभी बना है, ये अभी बना है, तो ये इस तरीके से ये बनी रहे मकान, इक्का दुक्का ही मकान थे और कितने सारे मकान हो चुके। तेज़ी से गांव मतलब बढ़ रहा है। जो इधर एक गांव है ना भगवानपुरा, वहाँ उस गांव से और ये धुलकोट हमारा गाँव है, ये हम मिल चुका है, पूरा मिल चुका है, थोड़ी बहुत जगह ही खाली होगी वरना पूरा गाँव मिल चुका है। और गाइस ये पेड़ देखो, बहुत पुराना पेड़ है, मैं जब छोटा सा था ना तब भी ये पेड़ था, और आज मैं 35 साल का हो चुका हूँ तब भी ये पेड़ वैसा कि वैसा, हालांकि कुछ डालियाँ टूट के गिरी हैं यहाँ पर, पिछले साल तूफान आया था ना तो बहुत सारे पेड़ हमारे यहाँ पर गिर चुके थे। तो गाइस आज के इस व्लॉग में ना हम आपको खरगोन का मेला दिखाएंगे, नवग्रह मेला दिखाएंगे, शाम को निकलेंगे, आज तैयारी हो चुकी है, देखते हैं बाइक से जाते या फिर एक अल्टो वल्टो या कुछ कार वार करना पड़ेगी किराए से, कि हमारे पास तो है नहीं फोर व्हीलर, तो हम किराए से करेंगे, तो देखते हैं 1000 या 1500 रुपये लगेंगे तो हम फोर व्हीलर से चले जाएंगे, क्या है कि रात में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चे बहुत खुश है, एक्साइटेड है कि आज हम मेले में जा रहे हैं, बच्चों के लिए ही हम जा रहे हैं और बच्चों के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। शाम को निकलेंगे 5-6 बजे के आसपास, ताकि हम 10-11 बजे तक घर वापस आ जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं, दुकान पर कुछ काम वाम भी कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। देखो दोस्तों ये है ना तुअर बोई थी, तो तुअर कट चुकी है, लेकिन इतना टुकड़ा इन्होंने बोया ही नहीं है, फालतू में गया इतना टुकड़ा, बस उधर उधर ही गेम है। हाँ धर्मू भाई फाइन, हाँ अच्छा अच्छा, थोड़ी इंग्लिश जानता है धर्मू। धर्मू इस साल क्या धंधा करेगा तू? इस साल कुल्फी का धंधा। कुल्फी की तैयारी हो गई सब? क्या 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 लिया आया तू खरगोन से? सेक्रीन, कास्टर, सेक्रीन नहीं लाया, वो कास्टर पाउडर, आरआरओ, कुल्फी के डब्बे, कुल्फी गाड़ी, सेक्रीन लाना है, कतार, दूध, बर्फ। तो घर पे ही कुल्फी बना लेगा तू? हाँ। मटका कुल्फी बनाएगा? हाँ। तो वो जो संचय कितने लाया तू? 100 डब्बे। एक डब्बे में से 4 कुल्फी बनेगी, एक डब्बे में 20 रुपये कुल्फी, तो 100 संचय पूरे भर लेगा। 100 नहीं, अभी तो स्टार्टिंग 50-60 तक होगी। 50-60 पहले 50 डब्बे बचते थे, वहाँ से धीरे से बिक्री होती जाएगी। तो भाई साहब ये इंटरव्यू था धर्मों का, एक नया धंधा, नया क्या है, तो पिछले साल भी इन्होंने बेचा था, लेकिन पिछले साल तो दूसरे पास से ला रहा था, जो आइसक्रीम बेच रहे उनके पास लाड़की कर रहा था पिछले साल, और इस साल खुद। और अभी इसमें भी क्या है, जो लागत लगेगी वो लगेगी, जो बचत बचत मिले वही अपनी दाढ़ की। और ये वाहन तेरा, इस वाहन पे बेचेगा कि? बढ़िया, भोंगा भी, बोपू भी लगवा लिया है नया, ये भोंगा। तो ये भोंगा कितने का था? ये भोंगा मैंने लाया था 150 का। 150? वाह यार बहुत बढ़िया। हाँ दादा आज तो उजड़े चमन हो गए, उजड़े चमन। मेला घूमने चल रहे? नहीं, हाँ तुम्हारा मेला तो निकल गया, तुम नहा लिए नहीं? अभी नहाए नहीं। हाँ तो फाइनल गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं,
तो गाइस गाड़ी आती होगी, हम लोग निकलते हैं बाहर और वेट करते हैं गाड़ी का। चलो चलो गाइस, भाई का परिवार भी जा रहा है साथ में, आफिया भी है, इसल भी है। चलो चलो, तो एक काम कर, तू बाहर रहे, बच्चे यहीं पर रहेंगे, गाड़ी आए वैसे हमको आवाज देना है। फाइनल गाइस, हम लोग आ चुके हैं मेले में, अभी मेले में जाते हैं और आपको पूरा मेला घुमाते हैं और हम भी घूमते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमको जो दुकान दिखी है ना, वो चक्कियों की है, देखो छोटी छोटी चक्कियाँ, प्यारी प्यारी चक्कियाँ। वाओ ब्यूटीफुल। तो दोस्तों मेले में आते ही बच्चों को एक झूला दिख गया है छोटा सा, उसमें बिठाया अभी। एक झूला यार घोड़े वाला, इसमें भी शायद बैठेंगे बच्चे, कितना प्यारा झूला। और इधर बड़े बड़े झूले हैं, बड़े प्यारे प्यारे, इधर भी देख सकते हो, तो मज़ा आने वाला है। क्या बोलते हैं, गराड़ू गराड़ू, शकरकंदी गराड़ू गराड़ू है। ओ भाई साहब नाव झूला, हाँ उठे उठे गाइस, उबले हुए भुट्टे, बहुत भीड़ है, बहुत साउंड है, बच्चे बहुत दूर थे, अभी किसी दूसरे झूले में झुलाते हैं बच्चों। नीचा आसन नीचा गाइस, अभी मिक्की माउस बैठे हैं बच्चे। छोटी सी नाव है, रोने लग गई गाइस, साइबर रोने लग गई। तो उतार दो उतार दो भाई साहब, अभी हम नाश्ता करेंगे, क्यों साहब झूले तो झूल लिए हैं, अभी नाश्ता करेंगे। एक मोमोस ला दे। तो गाइस पाव भाजी आ चुकी है और ये है खस्ता है, खाओ बच्चों लोग। और आ रहा है अभी, और आ रहा है ना, मोमोस आ रहे हैं, पहली बार खाऊंगा मैं भी। तू भी पहली बार? मैंने एक बार भी खाई, और मैं भी।
अभी मोमोज भी आ चुके हैं, खाओ बच्चे लोग। इसमें डुबा के खा, इसमें मैं अगर अकेला आता या मेरे दोस्तों के साथ आता ना तो ये झूला झूलता, इसको ये झूले में बहुत मजा आता है। तो ये ले रहे हैं असद के लिए? नहीं, मेरे लिए ले, सनाया के लिए। सनाया के लिए? हाँ, मेरे तो वो फुटबॉल। अच्छा, असद फुटबॉल लेकर है, पूछ लो वो ये वाली फुटबॉल, न तो फिर उनके लड़के के लिए पूछते हैं ना, पूछते ये ले। अब है ना, बच्चों के खिलौने ले रहे हैं और घर का कुछ आइटम ले रहे हैं, बहुत ही महंगा है यहाँ पर, बहुत महंगा है। सबके हो चुके, अभी सनाया और साहिबा के लेना है, तो फटाफट से ले लेते हैं। ये कितने प्यारे प्यारे फूल है, आपको ये चाहिए? अच्छा लग रहा है ये क्या? हाँ, टिफिन भी है, जग भी है ना, सब कुछ है इसमें, सब कुछ। बुड्ढी के बाल, तो गाइस फाइनली मेला घूम लिया है, और जो जो हमको शॉपिंग करना थी वो भी कर ली है, अभी निकलते हैं हम घर के लिए। ड्रावर साहब को फोन लगा दिया है, वो आते होंगे, गाड़ी लेके गए हैं वो मार्केट में उधर। पापा तुमको एक बात बोलो, अपन घर जाके सामान दिखाएगा क्या क्या? हाँ, सामान दिखाएंगे, सामान।